रेमंड करो लंबा इधर खड़ा हो एक साइड पाली साइड सर पाली साइड आओ तुम हम के एक मिनट सर सुन पीछे भी थोड़ा जी सर चलो काटो थे हमारा ये हमारा जो अभी आज हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके रहते हम ग्राम स्वराज मंथ जो है हमारा अप्रैल का महीना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें हमारा ये आइकॉनिक वीक हमने सेलिब्रेट किया है 11 से लेकर 17 अप्रैल तक। हमने इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने की कोशिश की। हमने पंचायत जो ब्लॉक हमारा मीरा साहब है इसकी ऑलमोस्ट हर एक पंचायत में हमने पंचायत सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया हुआ है। हमारी 10 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर हमारे पास पंचायत घर नहीं है, बट जो हमारी वहाँ पर रेंटेड बिल्डिंग्स हैं हम वहाँ से उसको ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे जब तक हमारे पास हर जगह पर पंचायत घर आना जाए। उसके अलावा हमने हर एक पंचायत में क्लीनिनेस ड्राइव करवाई है, प्लांटेशन ड्राइव करवाई है इस आइकॉनिक वीक के रहते हुए। और जो 24 को जो हम मोदी साहब यहाँ पे आ रहे हैं वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो किसी पंचायत में आ रहे हैं और आके वो PRI मेंबर से खुद इंटरेक्ट करेंगे। ये एक बहुत अच्छा हमें वेलकम करना चाहिए इस स्टेप का। और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और भी बहुत सी यूटीज और बहुत सी स्टेट्स को वहाँ पर जोड़ा जाएगा। और इससे हमें ये जो हमारा इंडिया का एक बेसिक मोटिव है कि हमने जो है अपने विलेजेस को डेवलप करना है तभी जाके हमारा जो नेशन डेवलप होगा। हम यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत करना चाहेंगे और हम यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम देखते हैं पूरे इंडिया के लिए हम उसको उसकी शुरुआत हम विलेजेस से करना चाहेंगे वीकली हर दिन हफ्ते के हर दिन। अब ये है कि कई पटवारी जो है उनके पास 2-3 पंचायतें होती हैं, कई ग्राम सेवकों के पास 2-3, तो वो ऑल्टरनेट डेज पर बैठेंगे बट बैठेंगे वो वीक में ऑलमोस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने आज जो पंचायत दरसोपुर है उसकी पंचायत सेक्रेटरी की जो ओपनिंग की है। हमारे साथ सरपंच साहब, हमारे साथ BDO मैम और सरपंच सोडी साहब, हमारे राजा जी और हमारे पंचिस, हम सब ने मिलकर पंचायत सेक्रेटरी की ओपनिंग की है। और ये एक बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि जो मोदी साहब का एक जो सपना था कि आपके घर पे आपको फैसिलिटी मिलेगी, आज इसी पंचायत जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है यहाँ पर हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स बैठेंगे, हमारे जो कंसर्न पटवारी हैं वो भी यहाँ बैठेंगे, हमारे जो RDD के JEE हैं, हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी है, ग्राम सेवक हैं, वो भी सब यहाँ बैठेंगे। मतलब कहने का ये है कि लोगों को फैसिलिटी मिलेगी उनके घर पे, डोर स्टेप पे। ये बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे जो लोग थे वो बहुत बाहर, उनको बड़ी परेशानी आती थी, आने जाने में दिक्कत थी, दूर दराज जाना पड़ता था, काम होते नहीं थे, तो लोगों को बड़ी ज़्यादा परेशानी आती थी। तो मैं गवर्नमेंट का इस कदम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ जो उन्होंने ये फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की है। जैसा कि बाकी हम जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं उसके साथ साथ हम जो ग्राम स्वराज महोत्सव है वो भी मना रहे हैं। उसमें हमारे 11 से 17 तक जो हमारा आइकॉन वीक है उसमें हमने काफ़ी प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे क्लीननेस प्रोग्राम कई पंचायतों में चला है। आज हम आपने देखा कि हमने यहाँ पौधे लगा के भी उसका एक उदाहरण दिया है। इस तरह के हम ये मैसेज देना चाहते हैं ताकि जो पंचायतों में होने वाले काम हैं हम सब मिलजुल के करें, ताकि हमारी पंचायतों में जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, अभी PMAY का जो काफ़ी मकानों का जो आया है लोगों को वो मिल रहा है। और हम आज मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बाकी के लोग भी जो रहे हैं उनको भी मकानों का जल्दी आए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जब हम जाते हैं गांव में देखते हैं लोगों की हालत बड़ी खस्ता है। मैं खासकर अपने PM साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोगों के बचे हुए मकान हैं उनको जल्दी से जल्दी उनको भी दिए जाएँ, ताकि लोगों की जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरी हो सके। बाकी यहाँ आए हुए हमारे पंचायत कि मैं आपको बताऊं ये जो था ये सब खाली पंचायत खारी की बात नहीं है, वो भी बड़ी पंचायतें हमारी जो पहले 10 पंचायतें जो सभी हमारी अभी अर्बन में आ गई हैं, अब उनके काम जो अर्बन से होंगे और बड़ी जल्दी होंगे, उनका सबका डाटा चला गया,